अभी हम सिर्फ इसलिए हायर एजुकेशन में कर रहे हैं कि हमें बड़ी संख्या में फ्यूचर पेरेंट्स, फ्यूचर टीचर्स और फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स चाहिए। अदरवाइज ये सारी बातें अगर पेरेंट्स को समझ होती, अगर स्कूल टीचर्स को समझ होती, तो ये बच्चा अपने आप अपने फैमिली एनवायरनमेंट में ही समझ जाता है। दीज आर लॉज ऑफ द नेचर एंड दीज लॉज आर रैशनल इन नेचर। वी कैन अंडरस्टैंड दीज लॉज, वी कैन डिस्कस इट इन अवर क्लासेस एंड वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर दीज लॉज विद इन देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड इट ऑन देयर ओन राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी। इसके लिए ये नहीं कि भाई ये मैं बड़ा हूँ, मैं घर का फादर हूँ, मैं मदर हूँ, इसलिए तुमको मानना है। नहीं, जीना है, मजे से जीना है, जिंदगी को का मजा लेना है, तो ऐसे ही जीना होगा। ये तुमको भी ठीक लगता है कि नहीं लगता है, एंड दीज आर वेरीफाइएबल आल्सो। अगर नहीं ठीक लगता है तो तुम दूसरे तरीके से जी के देख लो, तुम लड़ाई करके देख लो, तुम कॉम्पिटिशन से जी के देख लो। कॉम्पिटिशन से अगर जिंदगी सुखी होती है तो वैसे कर लो, कॉपरेशन से जिंदगी सुखी होती है तो वैसे कर लो। इट्स अप टू यू, इट्स अ चॉइस बिफोर यू। अगर गुस्सा करना तुम्हें ताकत लगती है तो गुस्सा करना ताकत है कि गुस्सा करना वीकनेस है? तो ध्यान में आता है कि जब आप होपलेस हो जाते हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपना वॉल्यूम ही बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आप गुस्सा करते। तो ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के साथ कि वेरीफाइएबल एंड इट्स ऑल एनकम्पैसिंग, इट डील्स विद योर डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इट लीड्स टू हारमनी एट ऑल लेवल्स। हारमनी विद इन योर सेल्फ, हारमनी विद फैमिली, विद इन फैमिली, हारमनी इन सोसाइटी एंड हारमनी विद नेचर, बिकॉज वी ऑल लिव एट फोर लेवल्स इन फोर डायमेंशंस। इट फॉलोज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओन्स नेचुरल एक्सेप्टेंस, लीडिंग टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एवोल्यूशन। हेयर व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग्स ऑन योर ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस, देन यू नॉट ओनली मूव टूवर्ड्स डिसिप्लिन बट यू मूव टूवर्ड्स सेल्फ डिसिप्लिन, देन यू डोंट नीड डिसिप्लिन फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो इट प्रोवाइड्स।